तो बहुत ही आसान आपके पास क्वेश्चन है ये वाला। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला सिखाया था कि कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों ने पुट करना है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे हमें सिर्फ जो क्वेश्चन दिए गए उनके डिजिट मतलब उनके जो पार्ट्स के डिजिट्स हैं वो चेंज है। मतलब कि देखिए ए जैसे यहाँ पे आपको दिए गए 9 और 2 और बी आपको क्या दिया गया 7 एंड 2। यार के पास फर्स्ट पार्ट है ठीक है, क्लास 9 की बुक का फर्स्ट पार्ट आपके पास 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। इसको सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि वही हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं फाइंड एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हम लोगों ने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स दिए गए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे मैं बता दूँ ये एक लाइन है ए बी की ठीक है, ये ए है ये बी है ठीक है, ए बी की लाइन है। तो ए का पॉइंट आपके पास क्या 9 और 2 और बी का पॉइंट आपके पास 7 और 2, इनका हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये इसका मिड पॉइंट मतलब हम लोगों ने इसके पॉइंट्स मैच करने हैं मिड पॉइंट की ठीक है, जिसको मैं एक्स और वाई का नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, और जो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना मिड पॉइंट का ठीक है। अब यहाँ पे ए बी के हम लोग मतलब मिड पॉइंट मैच कर रहे हैं जिसको मैं एक्स और वाई का नाम दे रहा हूँ ठीक है। अब पहले डिजिट जो है वो ए का मतलब एक्स होगा और फिर वो वाई होगा ठीक है, ऐसे हम लोगों ने। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोगों को पहले याद करना पड़ेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू ठीक है, और फिर वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। ये आपके पास फॉर्मूला किस चीज का मिड पॉइंट का। सिंपल हम लोग कैसे करते थे कि यही फॉर्मूला हम लोग इस मिड पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं इन दोनों के ऊपर ठीक है, ये ए और ये बी है। तो ए पॉइंट आपके पास क्या एक्स वन, बी पॉइंट क्या वाई वन, फिर एक्स टू वाई टू ठीक है। अब ये फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में क्या देगा ए बी, क्योंकि मिड पॉइंट के ऊपर लगा रहे तो हम लोग ए बी के मिड पॉइंट के ऊपर लगा रहे ना। एक्स वन 9 है और एक्स टू क्या है 7, प्लस हो जाएगा आपस में क्योंकि फॉर्मूले में प्लस हो रहा ठीक है। ये फॉर्मूला को वो लर्न कर लेना, याद कर लेना ठीक है, याद लोगों को याद करना पड़ेगा। फिर इसी तरह आपके पास बी पॉइंट क्या है जी 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया जी पुट। इसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन है ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा 9 + 7 = 16 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है, और इसी तरह 4 / 2 ये आप लोगों ने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद इसके बाद सिंपल आप लोगों ने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, 2 1 2 और 2 16 2 8 16, तो 8 आंसर आ गया, 2 1 और 2 2 4, तो 8 और 2 इसका आंसर आ गया ठीक है। तो ये ए बी का हमारे पास क्या कहलाता है आंसर। तो ये हमारे पास इन दो के पॉइंट्स आ गए, ए बी का हमारे पास पॉइंट क्या है एक्स, क्या एक्स हमारे पास 8 आ जाएगा और वाई क्या हमारे पास 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। सॉल्व होम आप लोगों ने सीख लिया कैसे हम लोगों ने मिड पॉइंट में फॉर्मूले को सॉरी पॉइंट्स में फॉर्मूले को पुट करना है। इसी तरह दूसरा पार्ट भी ट्राई करते हैं इसका, मैं दूसरे पार्ट्स के पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, वो बी पार्ट है। तो इसमें आपके पास क्या सीन है कि ए आपके पास आ जाता है 2 6 और बी आपके पास क्या आ जाता है 3 - 6 ठीक है। तो ये आपके पास ए और बी आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूले का ठीक है। अब ए और बी आपके पास इसके ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अब ए बी के ऊपर फॉर्मूला लगेगा। तो यह आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू ठीक है, ये आ गया जी आपके पास फॉर्मूला। नेक्स्ट इसके बाद आपने सिंपल इसमें से ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा जी, एक्स वन आपके पास 2 है और एक्स टू आपके पास क्या 3 / 2 ठीक है, और इसी तरह फिर 6 और एक्स माइनस 6 / 2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन भी इजी है, आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना इसको। तो ये आपके पास 2 + 3 आ जाएगा 5 / 2 और 6 - 6 = 0, तो ये आपके पास एक आंसर एक्स का और ये आ गया और ये वाई का, तो ये इसके दो पॉइंट्स आ गए ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसी तरह फिर आपके पास सी पॉइंट भी है, सी पॉइंट में देखिए आप लोगों ने क्या करना है सी पार्ट में, सी पार्ट आपके पास जी है ए आपके पास क्या रहा है 3 - 11 ठीक है, और बी आपके पास क्या क्या रहा है 3 - 4 या आपके पास बी आ गया सही है। अब एक बी के ऊपर भी सिंपल आप लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है ठीक है, वही फॉर्मूला ये आप लोगों ने याद कर लेना, इसीलिए मैं आपको बार बार लिखवाता हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू ठीक है।
अब इसके ऊपर सिंपल पॉइंट्स हम लोगों ने पुट कर देना है। अब एक्स वन क्या है 3 और एक्स टू क्या है 3 और डिवाइडेड बाई 2, फिर वाई वन क्या है -11 प्लस वाई टू क्या है -4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ क्या आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे और आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल में -7/2 हो जाएगी, ठीक है, -7/2। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 3, और यहाँ पे आ जाएगा -7/2। ये आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का होगा, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3, सो जब पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 भी सेम एज इट इज है, देखिए उसमें भी आप लोगों को उन्होंने डी पार्ट में आपको क्या बोला, उन्होंने ए इज इक्वल्स टू ओ सॉरी ए पॉइंट आपके पास क्या है -4 and 9, और बी पॉइंट आपके पास क्या है -4 and -3, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसके ऊपर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, और इसकी सिंप्लीफिकेशन भी सिंपल इसी तरह पॉइंट्स पुट करोगे और आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट में बिल्कुल सेम एज इट इज है, ई पार्ट भी सेम एज इट इज है, एफ पार्ट में 0 0 दे दीजिए तो एक आंसर 0 आ जाएगा, सिंपल जैसे एफ पार्ट में आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। देखिए एफ पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है कि ए आपको क्या दिया कि 0 0, तो एक्स भी 0 और वाई भी 0 है, ठीक है, और बी पार्ट आपके पास क्या है 0 और -5, सही है। आप इसके ऊपर आप लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेना, मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास क्या है x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2, ठीक है, और ये आपके पास इसमें सिंपल आप लोगों ने इन पॉइंट्स को पुट कर देना, तो x1 0 है और y1 भी 0 है डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 0 ओ सॉरी हाँ 0 और फिर यहाँ पे 0 - y/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 / 2 तो 0 हो जाएगा, ये 0 / 0 और 0 - 5 तो -5/2। सो ये आपके पास एफ पार्ट, एफ पार्ट में हम लोगों ने सिंपल मिड पॉइंट पर फॉर्मूला पुट किया। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसमें हम लोगों ने मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने मिड पॉइंट को तलाश कर लिया। मतलब ये होता है आपके पास दो पॉइंट्स दे दिए होते हैं ना, उन दो पॉइंट्स में आप लोगों ने उनका मिड पॉइंट तलाश करना था, ठीक है। मिड पॉइंट तलाश करने के बाद आप लोगों ने सिंपल उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, याद करना जैसे इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक फॉर्मूला डिस्टेंस का, एक फॉर्मूला मिड पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूले में आप लोगों ने सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच का फासला फाइंड करना होता है, और मिड पॉइंट फॉर्मूले के अंदर आपने उनको मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, कौन से वो जो आपके पास डिस्टेंस होता है ना किसी भी चीज का फासला, जो आप उसके बीच में जो आप ए से लेकर बी तक का जो फासला है, ए से लेकर बी तक के बीच का आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो सिंपल सी इतनी सी बात है, यहाँ पे होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में समझ आ गई, सारे पार्ट्स में समझ आ चुकी होगी, इसमें इतनी बड़ी लॉजिक कोई नहीं है। सो आई होप आप लोगों को वही क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अलग अलग बनाता हूँ, चाहे तो मैं पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन वो फिर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन को फिर आगे आगे करना पड़ेगा, तो उस तरह मजा नहीं आता ना। तो जो आपको क्वेश्चन चाहिए उसकी एक अलग वीडियो आप लोगों को मिल जाया करेगी, सही है। तो मतलब जैसे क्वेश्चन 1 में एक अलग वीडियो बना ली जिसपे एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, हर क्वेश्चन पे अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है, तो मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल से वो चीज़ आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिंपल उन्होंने ना एंड पॉइंट दिए गए, और उसका हम लोगों ने मिड पॉइंट दिया गया, लेकिन हम लोगों ने एंड पॉइंट जो क्यू पॉइंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ से ए से लेकर बी तक आपको एक फासला दी गई, उसमें दो चीज़ें दी गई, एक फाइंड करनी। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट सिखाऊंगा कैसे हम लोगों ने इसको फाइंड करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट उसके लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सही है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।